हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। रिगिंग रिगिंग हम लोगों ने इतना पार्ट देखा था। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, हम लोग क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, देखो ये पार्ट में इससे कनेक्टेड है। ठीक है, जीरो करने का बेनिफिट होता है कि मैं इसे अगर मैं इधर ऊपर भी लेके जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैं से पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। फ्रंट में गए, अभी आपका जो यहाँ पर जो काम करने देगा वो आप फ्रंट से ले सकते हो, साइड से ले सकते हो। यहाँ पर करो रिगिंग, स्केलेटन पे गए, क्रेट जॉइंट पे गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने एक पार्ट यहाँ पे लिया, अभी देखो यहाँ ये दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने चलो ऐसे मैनेज कर दिया। यहाँ पे मैं रेडियस है, रेडियस को आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे। एक हुआ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनको एक साथ 1, 2 और 3 आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देखिए पार्ट आप आराम से मैनेज कर दोगे तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे देना है भाई, मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट में आप काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा भाई, मेरे पास 0.17 इज गुड या 1.2 इज गुड। ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ कपड़ों को, मैं क्या करता हूँ कपड़ों को थोड़े देख लिए मैं कर देता हूँ हाइट टाइप के मुझे यहाँ पे दिखे, क्योंकि कपड़े को मैं बाद में रैप भी कर सकता हूँ, बाइंड भी कर सकता हूँ, बहुत से अलग अलग प्रोसेस मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, इस वाले पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, शोल्डर मेरे पास आएगा, ये शोल्डर वाला पार्ट है। अगर मैं यहाँ से मैं अगर अपना कंधा उठाऊंगा, शोल्डर उठाऊंगा, तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला, तो ये पार्ट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, दूसरा पार्ट यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जाते हैं राइट साइड में, ये मैं क्लियर का होगा जैसे ये दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे दो व्यू मुझे चाहिए, नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे फ्रंट और लेफ्ट व्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे 5 और 6 आपका, जैसे मैंने कुछ एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे देखना, अभी ये ऑप्शन हमने एक्टिवेट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। बोन्स को सिलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इसे रोटेशन देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आप इसे रोटेशन दो, प्रोसेक्टिव में जाकर आप मैनेज करो, तो आपका यहाँ पे देखिए भाई आपका ये को ये किधर है, इधर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मैनेज करूँ भाई मुझे तो इधर चाहिए। ठीक है, राइट साइड में गए, ये पार्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ होना चाहिए, दूसरा पॉइंट मैंने ये पार्ट इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये पॉइंट में बस यहाँ पर होना चाहिए। तो फ्रंट में आइडिया नहीं मिलता, देखो फ्रंट में वापस आओगे, एक मिनट सो एन कैमरा, कैमरा डिस्टर्ब करेगा तो आप यहाँ से कैमरा ऑफ कर सकते हो। फ्रंट में आप यहाँ पर आकर आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, दिख रहा है अभी, देन साइड में आकर आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका काम होगा यहाँ पर। अभी देखो ये पूरा पार्ट अभी बैलेंस हुआ, कि अगर करेक्टर बना रहे हो तो आपको ये चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ हैंड का है। ठीक है, अभी हम लोग काम पाएंगे तो हम लोग चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ पे। ठीक है, ये देखो राइट साइड में तो आपके लिए ईजी हुआ। और दूसरी चीज़ मैंने अभी सबको कनेक्ट नहीं किया, जैसे मैं अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, H4 हाइट कर दूँ तो बस ईजी जाएगा बनाने में। अभी बोन्स है, बोन्स मैंने सेट किया। ठीक है, बोन्स के साथ हम लोग यहाँ पे रखेंगे भाई, मेरे पास ये पार्ट में कहाँ से कहाँ कनेक्ट करके लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ भाई, मुझे यहाँ पे हरी का एक नेमिंग दे देना, तो यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, शोल्डर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एल्बो कर दो। ठीक है, आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो अगर आप यहाँ पे देखो तो। ठीक है, ऐसे मैंने शायद आप लोगों को एक बार डिस्कस भी किया था कि भाई अगर आप यहाँ पे काम करो तो आपको तो और सी चीज़ों को मैनेज करना है, ये थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि कॉमन सी चीज़ है, आप इस पर अगर काम करने वाले तो आपके पास चीज़ दिखे भाई मैंने पे शोल्डर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आर्म्स भी कोई कई लोग बोल देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एल्बो है तो एल्बो कर दिया आप यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा पार्ट, अब यहाँ पे फिंगर दे रखा है, आर्म्स दे रखा है पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हैंड वाले पार्ट पर भी दे रखा है। ठीक है, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। इसके बाद अगर एक चीज़ और दिखाऊँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड भी दे रखा है यहाँ पे। हर एक जगह आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, शोल्डर है, एल्बो है एंड हैंड। ठीक है, तो आप हैंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, कई लोग इसे रिस्ट भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने कर दिया आज एंड हैंड, ये मैंने पार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर देंगे तो मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। अभी चीनों तीनों के साथ मुझे अगर मैनेज करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर पहले से अगर ऐड ऑन करके देना है, या तो मैं तीनों के अंदर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, और चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रीफिक्स लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रीफिक्स लगाने पर अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, लेफ्ट LEFT लेफ्ट। ठीक है, अंडरस्कोर कर दिया यहाँ पे। अरे अभी देखो यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट के ऊपर वाले में क्या होता है, हमेशा नीचे वालों को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। ये मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ और यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, और कहाँ गया, मॉडिफाई एंड प्रीफिक्स। ठीक है, LEFT लेफ्ट एंड अंडरस्कोर, देखो अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, अभी आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो यहाँ पे देना चाहते हो दे दोगे। ठीक है, LEFT लेफ्ट एंड अंडरस्कोर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है,
अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे कर देना है यहाँ पे बेसिक शेप्स, मुझे यहाँ पे सेट कर देना है। मैं बेसिक शेप में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे अब देखो यहाँ का रेडियस कितना 0.12 है। मैं गया स्केलेटन पे, गया स्केलेटन पे, गया ग्रेट जॉइंट पे, गया ठीक है। यहाँ पे 5 है यहाँ पे, तो मैंने कहा 0.012 करके देखें। यहाँ पे यहाँ पे भी मैंने देखा 0.012। अभी एक बार क्रिएट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा काम हो रहा है, ये पार्ट है, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा और पतला हो गया, थोड़ा सा मैं और चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.12 ही करते हैं, तो 0.12 कर दिया मैंने यहाँ पे, 0.12 ठीक है। अभी ज़्यादा मोटा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी इसको और मैनेज कर देना, क्योंकि जब मैं इसे कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए, पहले इन चीज़ों को मैं लेके जाने वाला हूँ, मुझे बार बार मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ दिख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैंने यहाँ पे क्या 0.12 किया, तो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, कितना मैनेज करके दूँ जो मेरे पास अच्छा लगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे की जो कनेक्टिविटी है बोन्स के लिए काम करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 0.05 करके देखें यहाँ पे, हाँ दिस इज गुड, ये अच्छा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0.05 करके देखो, तो काम हो जाएगा। ये अपने जितने अनवांटेड बोन्स बनाए डिलीट कर देना, बाद में दिक्कत देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे चाहिए, देखेंगे एक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी बस यहाँ पर रिस्ट है, रिस्ट का बीच वाले पार्ट में मेरे को लगता है कि नहीं कि मुड़ता नहीं है, ठीक है। बीच में एक ही बोन है, मुड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं ऐसे भी दूँ तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ओके। इट्स टोटली डिपेंड कि अगर आपको यहाँ पे लगता है कि भाई बेंड करना है, तो ये पहले से स्क्रिप्ट में फाइनल होता है कि आपके कैरेक्टर का हाथ कितना मोड़ना है, नॉर्मल है या आप नॉर्मल है या एलियन है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया जिसको मुझे अगर लगे तो बहुत मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग दूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंपैक्ट चाहिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको वायर फ्रेम थोड़ा सा शायद काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिखेगा, दूसरा मैंने यहाँ पे लिया और तीसरा मैंने यहाँ पे लिया। अभी मैंने सेट तो कर दिया, लेकिन ये तीनों को सेट करने के लिए मुझे वापस यहाँ आना पड़ेगा। जैसे हमने जो मॉडलिंग की, वो मॉडलिंग के साथ मुझे यहाँ पे दूसरी मॉडलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे फ्रंट में गए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो रिगर होता है ना, वो यही कहता है भाई मुझे टी पोज में ही दे दे, ताकि मेरे को मेहनत नहीं करना पड़े। क्योंकि मॉडलिंग को छोड़ के भाग के आते हैं ये लोग रिगर, मॉडलिंग नहीं करते वो लोग, वो करते हैं चलो मैं रिगर, मैं रिगिंग का काम कर रहा हूँ, तो उनमें चीज़ें होती है। या जो अच्छे मॉडल होते हैं वो भी रिगर बन जाते हैं, जिनको लगता है भाई मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे उस चीज़ों को दिखाते हैं। भाई मेरे पास ये पार्ट दिख रहे हैं, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास टर्न कहाँ दिया मैंने, यहाँ पे टर्न दिख रहे हैं, टर्न मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। टर्न मेरे पास कहाँ पे, ये टर्न मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा मैंने मैनेज कर दिया। और ये जो पॉइंट मेरे पास नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे तो उसे मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, अभी जो पॉइंट मैंने किया फ्रंट में गए, फ्रंट में करके यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ से इधर, इसके बाद आपने यहाँ पे कर रखा है ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री को थोड़ी देर ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ज्योमेट्री में बस यहाँ पे सिलेक्शन में ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद अभी देखो यहाँ पे मैं जब कर रहा हूँ, तो फ्रंट एंड साइड से आपको यहाँ पे मेहनत देखो अच्छी खासी करनी पड़ेगी यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ से मुझे लगता है कि ये इतना पार्ट है, ठीक है। तो इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 यहाँ तक है ना पे, तो मुझे अब यहाँ पे फिर से रेडियस पे काम करना पड़ेगा। हल्का समय थोड़ा सा और मैनेज करता हूँ, कितना मेरे पास यहाँ पे बैठे देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा ठीक है दिस इज़ गुड, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, अभी इस वाले जॉइंट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर से कवर अप कर दूँगा, भाई यहाँ पे इतना पार्ट हो जिससे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो ये राइट से सही है, फ्रंट में भी ठीक लग रहा है यहाँ पे, है ना। एंड देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा, यहाँ पे दिख रहा है टर्निंग पॉइंट कहाँ है, मुझे बोन्स यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर मैंने दिया, देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो, टर्निंग पॉइंट में यहाँ पे दिखना चाहिए कि भाई मैं अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ से दिख जाएगा, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना, तो ठीक है। बैंड यहाँ पे तो यहाँ से बैंड होना चाहिए, यहाँ पे बैंड है तो जो हमने फिंगर में देखा वो यहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को मैनेज कर सकें हम लोग यहाँ पे। अब ये क्या था, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पोज में है तो मुझे दोनों एंगल में देख के काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ों का मैं मैनेज करूँ, तो मुझे यहाँ पे भी चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने देखा 0.4 है, 0.04 है,
तो इज इट पॉसिबल, मैं फिर से जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्केलेटन पे 0.04 कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड 0.04 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास कनेक्टिविटी कहाँ देनी है, यहाँ पे देखो मेरे पास कनेक्टिविटी यहाँ पे है, फिंगर्स मेरे पास जो मोड़ रहे हैं, मेरे पास जॉइंट्स कैसे इधर भी दे रखे हैं, ठीक है। और मैं बेंडिंग में बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स ये 1, 2 एंड 3 यहाँ पे आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ एंटर कर देना वापस, ठीक है, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ से सेम जो मॉडलिंग वाला काम था वापस यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ओके। तभी यहाँ से मैं काम करके मैं सब के यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है वो टाइम कौन बढ़ा रहा है, मॉडलर हमारा, जो मॉडलर है उसको अगर चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो ऐसे मैं करूँगा। हाँ, स्क्रिप्ट की डिमांडिंग है, जैसे मान लो कि जब मॉडल बनता है, मॉडल बनता क्या होता है कि मॉडल का ना पोजेस दिए जाते हैं फाइनल के लिए, कि भाई ये मॉडल बने तो ये पोजेस में अच्छे लग रहे हैं, तो नॉर्मल इस पोजेस में काम कर जाएगा तो उनकी थोड़ी मेहनत बच जाती है। तो कुछ चीज़ों के लिए बेनिफिट भी है, कुछ चीज़ों के लिए लॉस भी है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे जो दे रखा वायर फ्रेमिंग का ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये पार्ट में यहाँ से मैं दे सकता हूँ। मेक श्योर ये जॉइंट्स का फंडा भी आपको समझ में आएगा, जहाँ तक जॉइंट्स है वहाँ तक इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो एरिया है पेंटिंग वाला वो आपका यहाँ तक इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। क्रॉस चेक, ये देखो जॉइंट मेरे पास ऊपर है ना अभी, तो अगर मेरे पास जॉइंट ऊपर है एटलीस्ट, देखो अभी ये हम लोगों ने जो प्रोडक्शन पर्पज ये मॉडल का सेगमेंट दे रखा है तो ये काम कर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे मिनिमम 3 एजेस होते हैं, जैसे देखो इक्वल है ना, तो ये आपस में इन दोनों को बेंड कर लेगा, तो काम हो आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने दिया भाई मेरे पास, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट बस यहाँ पे जा रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे, ये ध्यान देना क्या, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। और इसके अंदर हमें एक चीज़ और भी ध्यान देना है, इसके अंदर ओरिएंटेशन करना नहीं भूलना है, यहाँ पे देखो सबका जो ओरिएंटेशन है वो आपका कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा, देखो इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है ना, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये पार्ट किया हमने यहाँ पे, ओके, इसका था हमारे से पार्ट आ गया यहाँ पे, राइट साइड में गए फ्रंट, एंड यहाँ पे देखो फ्रंट में ये पार्ट आपका अंदर दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। पहले तो फ्रंट में आ गया, फ्रंट यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिया, बेसिक्स जो मेरे पास जो हैंड का जो मॉडल का जो सेट है वो इस टाइप से ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना तो मुझे हल्का सा पर्सपेक्टिव के साथ भी डील करना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे टर्निंग पॉइंट मुझे यहाँ पे, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे देना है, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा। ये पॉइंट तो एक्स्ट्रा भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना, कोई दिखना है तो आप इसको इधर से फ्रंट में गया, इसको तो होता इधर से हमने मैनेज कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, इसको चीज़ को मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा, तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी इसका व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से मैं जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट साइड में गए, यहाँ से मैंने जॉइंट्स को क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जॉइंट्स क्रिएट करना है, यहाँ पे गए क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी मैं बस यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे इधर से कहीं मूवमेंट देना है तो मैं मूवमेंट देके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, वैसे यहाँ पे कई लोगों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे काम करते आपका जो थंब है यहाँ से एक जॉइंट, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इंच, चौथा यहाँ, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पे अगर देने वाले तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए। कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंसेस भी दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी निकाले हैं। तो देखो ये आपका जॉइंट्स का पार्ट है, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, यहाँ से कनेक्टेड है एक जॉइंट आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ देखो, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करने आता हूँ, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे फ्रंट एंड राइट साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक जॉइंट्स यहाँ पे दिया, इसके साथ हम लोग मैनेज कर सकते हैं। दूसरा एक और दो, दो ही जितना आपका बोन यहाँ पे दिखेगा, तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्रंट में जाके प्लेसमेंट आपको यहाँ पे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये थंब यहाँ से करना है, तो मैं फ्रंट में भी गया, राइट साइड में भी गया, प्लेसमेंट जैसे ही दिखा अभी वहाँ पे मैंने सेट किया, लेफ्ट एंड राइट में आपको थोड़ा सा मैनेज करके देना है, देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ से इधर मोड़ना है, तो ये जॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। देखा यहाँ पे हमने स्कल्प्ट कर रखा, तो यहाँ पर ईजी है, कई में जैसे नॉर्मल करेक्टर होता है इसमें क्या होता है स्कल्प नहीं होता, बेसिक सिलेंडर होता है, तो वहाँ पे फिर इधर के लिए मुश्किल होती है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये मैंने यहाँ पे दिया, और देन इसके बाद मुझे ये चीज़ें मैं यहाँ से मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे, फ्रंट
यहाँ से मैंने इधर दिया पर, ठीक है, रिप्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे काम कर जाएगा। सेम चीज़ अभी देखो यहाँ पे जो चीज़ आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शनल, यहाँ पे यहाँ से मैं चीज़ों को कनेक्ट करके लाऊँ तो ये पार्ट बस इसका एरिया कवर कर जाएगा। यहाँ पे बाई चांस का लगे कि कोई एरिया कवर नहीं कर रहा तो ये जो पॉइंट है ना इसको मैं पीछे भी घिस के मैं मैनेज करके दूंगा या एक जॉइंट यहाँ पे भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्लिक कर दिया मैं दिस वन, ठीक है, यहाँ से ये एरिया इतना कवर कर लेगा, यहाँ से इतना एरिया कवर कर लेगा, ताकि हम लोग यहाँ पे देखें तो इतना एरिया मेरे पास यहाँ पे कवर होकर आएगा इस वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। देन हम लोग यहाँ पे फिर से 1, 2 एंड 3 एंटर कर देना भाई। ओके, तो देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फ्रंट में गए, फ्रंट में जाके देखना मेरे पास यहाँ पे फ्रंट में ये एरिया मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो अगर लगे कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो, ठीक है, यहाँ से मैं इधर से भी मैं मैनेज करके दूंगा। जॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे, ये जॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिया, ये जॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। पहले तो साइड में देख लो, यहाँ पे साइड, ठीक है, दिस इज़ गुड, ये मेरा स्लॉट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने दिया, इसका दिस जॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे है कि नहीं तो मुझे फिर से एक बार वायर फ्रेम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखना यहाँ पे जॉइंट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इसको मैंने कहा ठीक है ये काम यहाँ पे करने वाला है और ये काम आपका यहाँ पे करने वाला है, ठीक है, ये काम आपका यहाँ पे ये करने वाला है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर दोगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। लगे कि थोड़ा सा मुझे रेडियस कम करना है तो रेडियस भी आप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने जो सब में किया तो सब एक जैसे ही होने चाहिए, ये नीड नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे करना चाहो जैसे 0.4 या 0.3 कर दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया, चीज़ों को मैनेज कर दिया, अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है हर एक के उसके अंदर मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। भाई मेरे पास यहाँ पे हैंड वाला पार्ट यहाँ पर आएगा तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया, वायर फ्रेम ऑफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। मॉडल है देखो, ये देख रहा है अभी, अगर मैं स्पॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर चेंज कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। देखो देख रहा है ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, देन आपने यहाँ पे हल्का सा रोटेशन दे दिया यहाँ पे, ये ध्यान देना है क्या, ठीक है, देख रहा है। तो ये पार्ट मुझे अगर यहाँ से लगता है तो मैं थोड़ा सा इधर से रोटेशन के साथ मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया और देन ये आप यहाँ से यहाँ तक दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके भी हमारा काम हो जाएगा, ये हमारे एक बेसिक सा सेटअप बन गया कि भाई हमें यहाँ पे जो भी कोई काम करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे दिया। अब देखो ये एक चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है, ये अगर मैं कहूँ तो बस यहाँ से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे यहाँ से जो कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद आपको इस चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ किया, अभी लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट एल्बो है, हैंड हैंड के बाद आपको सही चीज़ें दिख रही हैं। तो इसके अंदर आपको सबको इसकी प्रॉपर नेमिंग करना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया रहे कि जब आप पेंट करो, क्योंकि पेंटिंग में जो आपका आप फंसोगे वहाँ पर आपका नाम ही काम आने वाला है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो ये मैंने मॉडल दे रखा है यहाँ पे, जैसे ये देखा पे अभी जैसे मैंने एक डेमो दिया कि भाई मैंने यहाँ पे काम कर रखा है, स्कैनिंग और बाकी चीज़ का मैंने बैलेंस किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर नेम दे रखा है, इसमें मैंने पोजिशन दिया, ये बेसिक का सेटअप मैंने देखा कि भाई आप अगर सिर्फ मैनेज करो तो कैसे करोगे। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं जाता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मॉडल को, यहाँ पर होता है स्किन एंड पेंट वेट, जैसे एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखो मेरे जॉइंट, देखो सारे जॉइंट ही जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये जॉइंट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो जब तक मैं इसका नेमिंग नहीं दूंगा, जैसे मैंने शोल्डर का तो शोल्डर नेमिंग दूंगा तभी पता चलेगा शोल्डर है, अगर मैं इसकी नेमिंग नहीं दूंगा तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। फिर इसका इसका कितना पार्ट आपका यहाँ पे विजुअल है, जैसे ब्रश हम लोग सॉफ्ट सिलेक्शन यूज करते हैं ना वैसे ही है। आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव निगेटिव रिप्लेस दे रहेगा यहाँ पे, तो आप रिप्लेस कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू 0 है, आप 0 कर दोगे निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, देन आप इसको मैनेज कर दोगे पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा पार्ट है पेंटिंग का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मेरे को अगर कोई भी चीज़ मुझे मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। जैसे दुकान पर मैंने इसे रोटेशन दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या मुझे क्या चाहिए, सपोज़ यहाँ पे मैंने स्किन एंड पेंट स्किन वेट, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। अभी मुझे जैसे इस वाले जॉइंट पे, तो इस वाले जॉइंट पे मुझे कितना काम दिखाना है, जैसे मुझे दिखाने के ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मुझे वैल्यू यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैनेज कर देना है, ठीक है। अभी इस वाले जॉइंट पे, इस वाले जॉइंट पे मुझे दिखाना है भाई यहाँ पे मुझे हल्का सा इम्पैक्ट चाहिए, मुझे बैक निकालना है, तो बैक निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हल्का सा इम्पैक्ट में दूंगा। ऑपेसिटी है मेरे पास यहाँ पे, ऑपेसिटी को मैं कम करूँगा, देखना ठीक है आ रहा है बात, तो मैं ऑपेसिटी को और भी कम करने वाला यहाँ पे, तो लिटिल बिट ये तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, और मैं इनकी देखो ऑपेसिटी के साथ और भी कम करता हूँ, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा निकाल सकता हूँ।
तो यहाँ पर अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ से चूज़ होगा थोड़ा सा बैलेंस करके यहाँ पे मैं निकालूंगा, तो देखना यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं यहाँ से दूंगा तो मैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे काम कर दिया, तो यहाँ पे हल्का हल्का ऑपेसिटी है वैल्यू का कम करो, देखा पे देखें यहाँ पे, तो वैल्यू के साथ आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो ये भी पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा, ऑपेसिटी हल्का सा करो देन यहाँ पे देखो यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करके मैं बैलेंस करके दूंगा, यहाँ पे चीज़ देखेंगी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बाहर निकाला है, तो मैंने बाहर कब निकाला और कैसे निकाला, जब मैंने इसको पेंट किया, पेंट को हम लोग जैसे यहाँ पे काम करते हैं ना यहाँ पे, तो स्केलेटन कहाँ गया, स्किन पे गया और यहाँ पे क्या किया मैंने पेंट, यहाँ पे क्या होता है स्विफ्ट एंड स्मूथ करके आप यहाँ पे स्विफ्ट और लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये बैलेंस होके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू आप बढ़ा के देखो तो आपको कैसा दिख रहा है, ऑपेसिटी के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीज़ों कैसे मैनेज करोगे, देखो ऑपेसिटी बढ़ाओ तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा यहाँ पे। तो रिलैक्स करने वाला काम भी इसमें होता है, आप इसे रिलैक्स भी कर सकते हो, ये मैनुअल जितने मसल्स आपको प्रॉपर चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा तब जाके आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। देखो अभी यहाँ पे देख रहे थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है, पहले थोड़ा रफ लगा था, अभी देखो यहाँ पे बैलेंस लगे यहाँ पे, कि अगर मुझे दिखाना तो मैं पीछे से पार्ट को निकाल सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो अभी इसको देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, तो ऐसे आता है। जब तक आप पेंट ही नहीं करोगे तो मॉडल आपका ऐसे निकलेगा, पेंट करने के बाद आपका मॉडल आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें काम करना है और चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, नेमिंग निकाल लेते हैं यहाँ पे, भाई नेमिंग में भाई किसको को लाइक क्या क्या नेमिंग देना है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं सैंपल को, ये मेन आपका हैंड हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड के बाद आपका सैंपल जो जॉइंट आ रहा है वो मेन जॉइंट आपके यहाँ पे दे सकते हो। तो अपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे हैंड जॉइंट कर सकते हो हैंड, ठीक है, या फिंगर कर सकते हो, ठीक है, एंड फिंगर कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका मेन पार्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मुझे लेना तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। तो अभी मैं इसमें अगर मैं रखूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ मॉडिफाई में गए, प्रीफिक्स पे गए, प्रीफिक्स में अगर मैंने कर दिया यहाँ पे मिडिल फिंगर MIDDLE, ठीक है, शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कर दिया तो जाएगा क्या, अगर आप यहाँ पे देना चाहो जॉइंट्स देना चाहो तो जॉइंट्स भी दे सकते हो, ठीक है। जॉइंट्स को आप यहाँ JNT भी करते हैं, शॉर्टकट ये अगर तो JNT भी कर दो तो भी आपका काम होता है यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे पहले से जॉइंट्स है, तो अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं, पहले से जॉइंट दे रहेगा तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को वैसे ही मैनेज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रीफिक्स यहाँ पे गए, ठीक है, MIDDLE फिंगर कर दें यहाँ पे, अंडरस्कोर कर दें यहाँ पे, तो वो उसके आगे देने वाला यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ये बस मिडिल फिंगर आ गया पे, ठीक है। लेफ्ट का जो प्रोसेस आप यहाँ पे रख सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे लेफ्ट करना, तो मैं लेफ्ट यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, ये बस क्या हो गया, इधर से अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे पूरा पार्ट यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे कौन सा है आपका आएगा, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब के बगल इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, INDX इंडेक्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया, भाई मेरे पास यहाँ पे पार्ट है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया मॉडिफाई प्रीफिक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो, रिंग फिंगर है, रिंग FIG रिंग फिंगर कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है। मैं बस यहाँ पे थंब वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, थंब के साथ क्या क्या चीज़ें देखो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये अगर मैंने कर दिया यहाँ पे, मैं सेम चीज़ यहाँ पे थंब भी दूँगा तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्या कर देगा थंब मॉडिफाई एंड प्रीफिक्स THUMB थंब कर दिया मैंने यहाँ पे, तो थंब, ठीक है। अंडरस्कोर नहीं दोगे तो भी दिक्कत आएगी, तो थोड़ा ऑड लगेगा, तो अंडरस्कोर भी दे ही देना क्या, THUMB अंडरस्कोर, ठीक है। ये आपका पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ मैं,
तो ये हमारे पार्ट यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया लिटिल फिंगर्स, ठीक है। लिटिल फिंगर कर सकते हो, पिंकी कर सकते हो, जो भी आपको लगे, जो आपको कि भाई मेरे पास ये माइंड में है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैंसन कर सकते हो। आप यहाँ पे मॉडिफाई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में गए, ठीक है, तो PINKY पिंकी या फिर लिटिल फिंगर एज यू कुछ भी आपको लगे तो आप वहाँ पे मैंसन कर दो, तो ये यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मैंने देखा सबके, हम लोगों ने देखा सबकी नेमिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मैं पेंट करने जाऊँगा तो मैं लेफ्ट और राइट वाला प्रोसेस रहता है। जैसा अगर मैं आप चीज़ को मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे मेरे ये लेफ्ट है, तो ये अगर मैंने राइट और लेफ्ट दोनों में है, अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं यहाँ पे फिर फंस जाऊँगा। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाला प्रोसेस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, कि अगर मैं आप चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे इंडेक्स है, तो इंडेक्स में गए या मिडिल फिंगर में गए तो चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैंने प्रीफिक्स में गया, प्रीफिक्स में जाके मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट, यहाँ पे गए 1, 2, 3 एंड 4 करके, देखें मॉडिफाई एंड प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करता है LEFT लेफ्ट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे करके मॉडिफाई एंड प्रीफिक्स यहाँ पे मेंशन कर देना, क्या यहाँ पे भी आप देख लेना, अगर एक में आपने लेफ्ट दिया तो लेफ्ट ही लिखना, पता चले आपने कहीं मैं एल कर रखा हूँ, बाद में हमें डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ पे फंस जाएंगे। आप सिंपल एल भी आके लगा सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि पूरा चीज़ को मैंसन ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई एंड प्रीफिक्स, तो ऐसे करके अगर मैं मैंसन कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करा, देखो मैंने अभी ये हैंड वाला पार्ट यहाँ पे बना दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ चाहिए मुझे कंट्रोलर्स, तो कंट्रोलर्स के जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, नो उसमें गए सर्कल चाहिए, सर्कल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सर्कल लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वी एन स्नैप कर दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा, ओके। आर फॉर स्केल, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़ों को, तो और मैं मैंसन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऑल टच सेलेक्ट कर दिया एंड वी एन स्नैप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैं चीज़ों को ले सकता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे, और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप इसको मैनेज कर सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे कर दें यहाँ पे F4 फोकस, तो ये जो पॉइंट्स मैंने दिया यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे है, तो ये इस वाले पॉइंट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल पॉइंट इसको इसको मैंने लिया, तो मैंने थोड़ा सा कर्व बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कर्व बना के मैं चीज़ों को मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एज, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ, ये पार्ट मैं यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हल्का सा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। अभी स्केल करने वाले यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ों का मैं देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे स्केल किया, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फ्रंट में गए, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं ऐसे भी मैं मेंशन करके दूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसे देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट है वो इसके साथ यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, अंदर वो खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक सर्कल लिया, ठीक है, और ठीक है, यहाँ से मैं जॉइंट्स को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ऑल टच, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दिया वी एन स्नैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग फ्रंट में गए, फोकस, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से मेंशन कर देंगे, रोटेशन, ठीक है, और फॉर स्केल, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कैसे देना है, जैसे इस सर्कल वाइज देना, तो आप सर्कल वाइज भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है 4 एंड 5 यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे क्या कर दें, ये पार्ट में यहाँ पे भी देना चाहो तो मैं ऐसे दे सकता हूँ अभी, ठीक है। काइंड ऑफ इन सब चीज़ों को तो ऐसा मैं मैनेज कर लूँगा। एक चीज़ और है, जैसे मैंने यहाँ पे बोन्स जो लिया यहाँ पे, ठीक है, ऑल टच कर लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ पे, इसके साथ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ओरिएंटेशन जॉइंट्स पे आप काम कर लेना, ओरिएंटेशन जॉइंट्स में अपने आप सब चीज़ों को मैनेज कर देगा, भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए सब कुछ ओरिएंटेड है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग मैनेज करेंगे, इसको हम लोग फ्रीज में नहीं रखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने क्या ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पे करके एडिट एंड रीसेट, जितना हो सके वो सब कुछ मैनेज कर देगा, तो पहले मेरे पास जितना हो जाएगा वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रोटेशन 0 पे नहीं है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, रोटेशन पे गया, मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, इन सबों को जैसे यहाँ पे दिया तो फ्रीज, जैसे यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे, मैं अगर इसको रोटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, देखो फ्रीज एंड ऑल करके देखें यहाँ पे, ये मैंने किया ऐसे। एक बार इसको भी देखेंगे मेरे पास चीज़ें कैसे दिख रही हैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो मैं
एक बार सबको लेके चलूंगा। देखिए यहाँ पे एक बार एरर देखना है, देखना यहाँ पे तो ये भी ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे जहाँ लगेगा ना आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, वहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो, एक ही एंगल में सब कुछ जा रहा है। कहीं लगे कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी बेटर वे काम नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो आपका ओरिएंटेशन वाला काम होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, ठीक है। तो सब कुछ ओरिएंटेशन के साथ यहाँ पे मैनेज हो गया, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ों को मैनेज किया, हम लोग क्या बोन्स को नहीं पकड़ने वाले, हम लोग जब रिगिंग करेंगे, रिगिंग करता जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये देखो जैसे मैंने अभी क्या किया, कैरेक्टर को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को हमें पकड़ना नहीं है, हमें क्या पकड़ना है, हमें कंट्रोलर्स पकड़ना है। जब मैं कंट्रोलर्स पकड़ूँ तो कंट्रोलर्स को कभी मैं, अगर मेरे को लगता है कि मैं जो रिगिंग करने वाला हूँ बिना कंट्रोलर्स के करने वाला हूँ, तो इन सबों को मैं जीरो करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे ये मेरा स्पार्ट है यहाँ पे, अभी मैं इस, ये मेरा जीरो होना चाहिए, ये कहीं छूट जाए तो दिक्कत होगी। देखो ये मेरा जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे लगता है बोन पे ही जाके मैं एनिमेट करने वाला हूँ तो फिर मैं इसे जीरो करूँगा। तो दोनों कंडीशन समझना, क्या ऐसी कोई नीड नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई किस लिए और किस पर्पज के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एक पार्ट, मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने लिया कंट्रोल डी। अभी फिलहाल मैं इन सबों को वी एन स्नैप में कर देता हूँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे देख रहा है फ्रंट में गए, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दिया, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, चीज़ों को कैसे मैनेज करना मैनेज कर सकते हो। जब ये मेरे पास ये काम हो जाए तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो यहाँ पे जो मैंने कुछ किया नहीं तो भी हिस्ट्री डिलीट, फ्रीज राइट क्लिक एंड फ्रीज एंड ऑल, इसका बाद आप मॉडिफाई में गए एंड सेंटर प्रायोरिटी, ये आपको क्रॉस चेक कर लेना है। सबका प्रायोरिटी यहीं पर होना चाहिए। जब आप डुप्लीकेट करोगे तो डुप्लीकेट में क्या होता है, उसका पार्ट उधर जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये पार्ट में बस यहाँ पे मेरे पास काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। देखो अभी ये देर का, अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा भाई मुझे जो भी कोई काम करना है मैं एक शेप लेता हूँ, जैसे इसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा कि अभी मुझे कोई फिंगर से कोई भी चीज़ मुझे अटैच करना हो, तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मैं मैनेज करता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। क्रिएट पे गए, नोट्स पे गए, अब हर एक के साथ अभी आपको जो थंब है, थंब के साथ आप कैसे मैनेज करना है, बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना, वो पार्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दिखाता हूँ, एक आध दिखाता हूँ आपको मैं, हम लोगों ने एनिमेशन के लिए यूज़ किया था। अब यहाँ पे देखो आपका हैंड का कर्व नजर आ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, जैसे मैंने क्या कर दिया, शो में गया, शो में जाकर मैंने क्या कर दिया, मुझे पॉलीगंस नहीं देखना है, ठीक है। तो आपका ये भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोलर सही है तो इसके साथ एक कनेक्ट कर रखा है कि भाई एक कंट्रोलर यहाँ पे दे रखा है, इसके साथ ये तीन सर्कल इसके साथ ही कनेक्टेड है। और ये सेम फंडा अगर आपको याद हो, जैसे हमने टॉर्सो में किया था, नीचे से ये ऊपर वाला कनेक्ट कर रखा था, वैसे मैं चीज़ों को मैनेज करके देना पड़ता है भाई, यहाँ पे अगर मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ताकि अगर मैं इसको जैसे मैं मैनेज करूँ, जैसे यहाँ पे बस देखना यहाँ पे रोटेशन है, तो रोटेशन को यहाँ पे देखना, ये मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है ताकि आपको आइडिया मिले कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो 4 and 5, तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास कितने थंब पे दो देखे, जितने जॉइंट है उतने जॉइंट के साथ मैं यहाँ पे सर्कल मैं ऐड ऑन कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा कि मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है। तो सेम चीज़ ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपल, एंड यहाँ तक मेरे पास पार्ट हो गया, यहाँ पे डबल प्रेस कर दिया एंड वी एन स्नैप यहाँ पे कर सकता हूँ, आर फॉर स्केल स्केलिंग, आपको जहाँ पे जितने भी बोन है उन सब जगह पे आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करके देना। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे क्या काम करना है, देखो दिखना है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया आर फॉर स्केल, ताकि दिक्कत ना हो, जैसे देखना भाई ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास चाहिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया एंड वी एन स्नैप कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। फिर कंट्रोल डी कर दिया, वी एन स्नैप कर दिया, तो मैं ये पार्ट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मॉडल एक बार ऑन करके देखो, मैं उससे पार्ट देख रहे हैं, अभी ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको देखो सिलेक्शन के लिए ईजी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेट किया, मैंने इसकी स्केलिंग कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्केलिंग करो, यहाँ पे ये सेम चीज़ मुझे कॉपी कर लेना है। मैं अभी यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ मैंने कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे, तो एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप चीज़ों कैसे मैनेज करो, देन सिंपल पोजीशन के अकॉर्डिंग आप काम करें यहाँ पे। तो ये आपने काम कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया एंड वी एन स्नैप कर दिया अपने यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो
सेम चीज वी एन स्नैप, ठीक है, कंट्रोल डी वी एन स्नैप, ये रोटेशन वाइज देख लेना पे, कंट्रोल डी एन वी एन स्नैप। यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी एन वी, ये ध्यान रखना पे वी एन स्नैप यहाँ पे मैं कर रहा पे, ठीक है, ये पार्ट मुझे ऐसे दिखना चाहिए। यहाँ पे ओवरलैप पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिखा मेरे को, क्योंकि मुझे पकड़ना यहाँ पे यही है, ये पकड़ने में इजी होना चाहिए, बोन्स को मुझे नहीं पकड़ना। तो यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा कि मैं बस यहाँ पे है ऐसे, मैंने रेड शर्ट में लिया, ये थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा रोटेशन चाहिए, ये तो चीज़ों को जितना बेटर करोगे ना आपके आगे दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे मैंने यहाँ पर रोटेशन दिया, यहाँ पर रोटेशन में क्या है, कम ऑन, यहाँ पर मैंने शायद 10 ऑफ कर रखा है क्या, डब्लू ओके, ये देखो यहाँ पर अभी ये पार्ट आपका यहाँ से इसको क्या हो गया है, ये देखते हैं कि मैंने अभी रोटेशन दिया, ये है मेरे पास रोटेशन, ठीक है, यहाँ से जो मैंने रोटेशन की जो वैल्यू दी है कंट्रोल सी, मैं सब में इसमें जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेक श्योर अब ये सारी वैल्यू पे आप काम करने वाला, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे रोटेशन पे काम कर रहा हूँ तो ये मैंने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और देन आप यहाँ पे मैनेज करके देखो तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। तो भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है, कंट्रोल डी एन वी एन स्नैप, ठीक है, कंट्रोल डी एन वी एन स्नैप, आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग मैनेज करेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, वी एन स्नैप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करना है। एक बार आपकी गलती होगी तो फिर आप फंस जाओगे यहाँ पे, जहाँ आपकी पोजिशन आपके पास गलत हुआ, ये आपकी जो कनेक्टिविटी जा रही है वो ख़राब हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके एक बार देख सकते हो आप, यहाँ पे इस एंगल में देना, इस एंगल में दे सकते हो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सीधे में दे रखा है। अगर मुझे लगे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं ऐसे मैनेज करके भी काम कर दूंगा, क्योंकि मुझे इनको रोटेशन बाद में देना पड़ेगा कि भाई मैं कैसा रोटेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके एक बार देख लो, यहाँ पर आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी किया एंड वी एन स्नैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें ये मैं बस इसका, तो मुझे रोटेशन देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी एंड वी एन स्नैप, ठीक है। आप इसे मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, मॉडल अगर रोटेटेड है आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने वाले हो तो आप ऐसे करके दोगे कंट्रोल डी एंड वी एन स्नैप, ठीक है, देन यहाँ पर आपका काम हो जाएगा आपके यहाँ पे सेम चीज़ कंट्रोल डी एंड वी एन स्नैप, ठीक है, कंट्रोल डी एंड वी एन स्नैप, कंट्रोल डी एंड वी एन स्नैप। तो ऐसे करके आपको प्रॉपर प्लेसमेंट अरेंजमेंट करना है, मेक श्योर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर लो, 4 and 5, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लाइक मॉडल तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर देंगे। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी जन मैंने यहाँ पे भी लिया तो राइट साइड में गए कंट्रोल डी एंड वी एन स्नैप, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने दे ही रखा है, इसका लगे कि कंट्रोल डी एंड वी एन स्नैप आपको लगता है यहाँ पे कोई कंट्रोलर आपको देना है, ठीक है, तो अभी ये मैं ऊपर की तरफ दे सकता हूँ, ये अंदर की तरफ देने की नीड नहीं है। जैसे मैंने ऊपर दे रखा ना यहाँ पे, ये आप यहाँ से रोटेशन दे दो, आप यहाँ पे रोटेशन दिया आपने यहाँ पे, ये बाहर निकाल दिया फ्रंट एंड राइट साइड में गए, देन आप आर फो स्केल कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसे सर्कुलर भी दे सकते हो, आप यहाँ पे चूहे को थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, आपने ये पार्ट और ये पार्ट हल्का सा देखो यहाँ पे ओके, बोन्स यहाँ पे बोन्स को यहाँ से ऑफ कर लो तो ये आपके पास यहाँ पे काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया और फॉर स्केल यहाँ से मैंने स्केलिंग कर दिया, देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हुआ क्या, ठीक है, दिस वन 1 and 2, 3 and 4 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं मैंशन कर सकता हूँ, मैंने ऐसे कोई कंट्रोलर बना दिया और मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे काम ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं करेक्ट कर सकता हूँ 4 and 5 यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे, तो मैं इनके साथ सबको चीज़ों को मैनेज करूँगा और कनेक्टिविटी में दूंगा।